नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशलि मोइत्रा। यूपी की जनता को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के लिए सूबे की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस कदम से उत्तर प्रदेश में बिजली की किल्लत दूर करने में बड़ी मदद मिलेगी। सूबे में बिजली की किल्लत को दूर करने के लिए योगी सरकार ने सब स्टेशनों को बढ़ाने का फैसला लिया और शनिवार को 3,135 करोड़ रुपए के उपकेंद्रों की परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन उपकेंद्रों के शुरू हो जाने के बाद बिजली की आपूर्ति बढ़ेगी और फॉल्ट की समस्या भी खत्म होगी। सीएम ने कहा कि इतने उपकेंद्र मिलने के बाद से उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था और बेहतर होगी। सरकार का प्रयास है कि हर जिले में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति हो। वैश्विक महामारी कोरोना संकट के दौरान भी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन 3,135 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से विद्युत उपकेंद्रों की एक श्रृंखला प्रदेश की जनता को आज यहाँ पर अर्पित कर रही है और ये निरंतर प्रयास है कि अभी विद्युत वितरण की जो गति है 18 घंटे 20 घंटे और 24 घंटे की पावर फॉर ऑल में हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप प्रत्येक घर तक आने वाले समय में 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति कर सकें, उस संकल्प को और भी सुदृढ़ करने की दिशा में उपकेंद्रों के लोकार्पण और शिलान्यास की एक कड़ी जोड़ी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस अवसर पर ऊर्जा तथा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा व राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल और बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद थे।